पल पल देख रहे सभी दर्शकों को मेरी ओर से एक बार फिर से नमस्ते। आज हम आपको कुछ खबरों से भी रूबरू करवाते हैं, तो चलिए मेरे साथ देख लेते हैं पल पल की कुछ खास खबरें। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में अधिकारियों की बैठक ली गई, वहीं बैठक की अध्यक्षता सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने की। सिरसा में आज कोरोना के आंकड़े हम आपको बता दें, सिरसा के अंदर आज फिर 8 कोरोना पॉजिटिव नए केस मामले सामने आए हैं। राजस्थान से आई टिड्डी दल ने फिर से एक बार घमासान मचा दिया है। टिड्डी दल को भगाने के लिए गांव के सरपंच तथा गांव के लोग खुद भी लगे हुए हैं, और सरपंच ने किस माध्यम से टिड्डी दल को भगाया वो भी देखिए। कोरोना की चपेट और ऊपर से मंदी का दौर, चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। चोरों ने आप भी देखिए किस तरह से गाड़ी की जो बैटरी है निकाली, और किस तरह से किस माध्यम से उन्होंने बैटरी निकाली और किस तरह से वे बैटरी निकालकर भाग रहे हैं। कोरोना की चपेट से बचने के लिए सरकार ने लोगों को मास्क पहनाने, मास्क पहनने वाले लोगों के ऊपर जुर्माना भी लगा दिया। किस तरह से आपके मास्क नहीं लगा देखा। पंजाब के बॉर्डर सील होने पर हरियाणा के लोगों ने जमकर किया विरोध, वहीं छत्तीसगढ़ के एसपी और डीडीओपीओ ने किस तरह से आश्वासन दिया कि जल्द अधिकारियों से बात करके बॉर्डर खोल दिया जाए। तो दोस्तों, आज से पल पल की कुछ खास खबरें, इसी तरह हम आपको मिलवाएंगे भी अगले चेहरे से, और आपके लिए ऐसे ही रोज खबरें लेकर आएंगे। तो देखते रहिए आप पल पल। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।